जनपद संभल की चंदौसी नगर पालिका परिषद में 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। अध्यक्षा ने किया ध्वजारोहण। आज देश भर में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जनपद संभल की चंदौसी नगर पालिका परिषद में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्टेशन रोड पर स्थित नगर पालिका परिषद के कंपनी बाग स्थित कार्यालय में अध्यक्षा इंदु रानी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजकुमार और समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। सबसे पहले तो सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरी बात, मैंने अभी अपने स्पीच में भी बताया कि गणतंत्र दिवस आज ही जो है संविधान जो है के रूप में जो है आज से एक व्यवस्था दी गई कि आम नागरिक भी जो है प्रधानमंत्री से लगा के उच्च पदों पर यहाँ का बन सकता है। ऐसे में तमाम शहीदों को ये कह लीजिए बलिदान के बाद ये दिन देखने को मिला, तो बस इतना ही है कि जिस प्रकार माँ बाप जो है ये अपने आप को समझते हैं कि हम जहाँ तक ले आए हैं अपने घर को उसको और ऊँच आगे स्तर तक ले जाएं, इसी प्रकार मैं सभी से ये अपील किया कि देश जो स्वतंत्रता मिली है इसको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। और ख़ास तौर पर चंदौसी नगर पालिका यहाँ के लोगों से मेरी ये अपील है कि साफ सफाई की व्यवस्था को ध्यान में रखें, प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। भाई, सबके लिए हर्षोल्लास और खुशी का विषय है, 72वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं और आज की स्थिति में अपूर्व की स्थिति बहुत फ़र्क है। देश कितना आगे बढ़ रहा है, सब लोग तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है। ऐसी तरक्की हो रही है कि पूरे विश्व में भारत को ऐसा गौरव प्राप्त हुआ है और पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। भारत एक मजबूती की तरफ बढ़ रहा है और भारत देश, देखिए वो दिन दूर नहीं जिस दिन विश्व गुरु का कहलाएगा। और इसी के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।